Hello everyone, welcome back to my channel. This is Saina and welcome to my channel Spiffy Saina. So today I am going to share with you a productive day and my test score. So let's start the video. तो सबसे पहले ये टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और टारगेट के बिना पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, तो मैं डेली अपनी टारगेट बनाती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी नेक्स्ट टेस्ट के जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार की और आज के पढ़ाई स्टार्ट। तो देखो टू डू लिस्ट में क्या क्या है। सबसे पहले है बॉडी फ्लूइड एंसर रीडिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एलन टेस्ट एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स का वन लेक्चर, फिजिक्स का ग्रेविटेशन। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी बायोलॉजी एनसीईआरटी लेके बॉडी फ्लूइड रीडिंग करना स्टार्ट की। इसका लेक्चर मेरी समाप्ति मैम से कंप्लीट हो गई है और अभी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगाऊंगी। नोट्स मैं बाद में पढ़ लूंगी क्योंकि नोट्स मेरी बहुत अच्छे से तैयार है। तो एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। तो मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ। देखो बाल पूरा गीला है। तो अभी मैंने स्किन केयर करूंगी। स्किन केयर मतलब अभी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा क्योंकि विंटर आ रहा है। तो स्किन केयर कर लेते हैं फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। मैं बताने वाली हूँ कि मेरी एलिन का टेस्ट का स्कोर कितना है जो मैं लास्ट वीक दी थी। ये वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तो ये स्पेक्टेकल्स की भी बहुत जरूरत हो गई है क्योंकि मेरी आंखों में भी पावर आ गई है, तो पहनना ही पड़ेगा। लेक्चर देखने के लिए तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लूरे बहुत खतरनाक होती है आंखों के लिए। तो अभी मैं पहन ली। ये ग्लास बिना ही जिंदगी अच्छी थी, तो अब क्या ही करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। भालो लागे ना। तो ये है मेरी एलन का टेस्ट पेपर जो मैं 10th नवंबर को दी थी। इसमें मेरी फिजिक्स में मार्क्स आई है 120 और केमिस्ट्री में 135, बोटनी में 139 एंड जूलॉजी में 140। तो फिजिक्स में 32 राइट रॉन्ग हुए है 8 और केमिस्ट्री में 36 राइट 9 रॉन्ग, बोटनी में 36 राइट 5 रॉन्ग एंड जूलॉजी में 36 राइट 4 रॉन्ग। तो देखो ये मेरी क्वेश्चन पेपर है।
और कुछ गलत हुए हैं जो मुझे सही करना होगा। ये मैं स्कोर बता दी अपनी और आपकी तसल्ली के लिए मैं अपनी मैसेज भी दिखा रही हूँ। ये देखो मार्क्स का मैसेज आई है 534, तो इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। फिजिक्स का मार्क्स ज़्यादा करना पड़ेगा और केमिस्ट्री की भी, तो ये एनालाइज करूँगी। ये आंसर शीट देते हैं क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट टेस्ट है 24 को, तो 24 के लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। बहुत ठंड लगी है, तबीयत खराब है, सर्दी जब भी आती है मेरी जुखाम तो लगी रहती है, इसमें पढ़ाई भी बहुत हैम्पर होती है। टुडू लिस्ट में बॉडी फ्लूइड का एंजाइटी रीडिंग और एलिन टेस्ट का एनालिसिस और मैं आपको स्कोर भी बता दी, तो अब बाकी के करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बॉडी फ्लूइड का एनसीईआरटी रीडिंग करके मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठी। Got this song up inside of me, in a world I don't wanna say. Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your wage? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double. Quiet life of desperation. मैं सोची कि मैं खुद से क्वेश्चन कर लूं और उसके बाद अपनी ही क्वेश्चन को कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसको मार्क दूंगी अपने आप को, तो इससे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यही फॉलो करती हूं। तो 40 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर ली और अभी मैं चेक करूंगी यहां से, तो देखते हैं कितना हुआ है। तो देखो यहाँ 160 में मैं 155 स्कोर की हूँ क्योंकि मेरी एक ही गलत हुई है। तो टू डू लिस्ट में मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी मार्क लगा रही हूँ क्योंकि ये हो गई है और अभी बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर करूंगी। दो लेक्चर मेरी हो गई है और अभी थर्ड लेक्चर मैं करूंगी, तो करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद और अभी मैं मार्क लगाऊंगी टू रिलीज पे कि ये भी हो गई है और फिजिक्स का ग्रेविटेशन बाकी है जो मैं शाम को कर लूंगी। तो अभी ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय। 460 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गई है और आप सब बाकी के 40 करके 500 कर दो। ओके okay?